गाइस मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ व्हाट्सएप से रिलेटेड कुछ सेटिंग के बारे में जो आपके काम के लिए है। व्हाट्सएप अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसा सेटिंग बताने वाला हूँ जो आपके काम के लिए है, डेली लाइफ यूज के लिए है। अगर आप डेली लाइफ में व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रही हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट रिसीव करना हो गया या फिर फोटो वोटो भेजना हो गया या फिर आपका ग्रुप है आपके व्हाट्सएप पे, ग्रुप भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है आपको, तो आपको ये वीडियो तो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि कुछ काम का सेटिंग मैं लाया हूँ आपके लिए जो इससे पहले आप इस सेटिंग को इस्तेमाल नहीं करते थे। ओके, आज के बाद जैसे ही ये समझ जाओगे आपके आप भी जो है अपने फोन पे व्हाट्सएप में ये सब सेटिंग इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे। सो चलिए यहाँ पे एक एक करके समझते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सो अपडेट करने के बाद आपको क्या करना है, व्हाट्सएप को आपको ओपन कर लेना है, इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, जिस भी कॉन्टैक्ट से आप मैसेज कर रही हैं, बात चैटिंग चल रहा है आपका, बस उस नंबर को आपको ओपन कर लेना है। ओके, उसका आईडी आपको ओपन कर लेना है इस तरीके से। अब ऊपर की ओर आपको देखने को मिल जाएगा, बस इस पर क्लिक कर लेना है जहाँ से आपको नंबर उसका जो है शो ऑफ होने लगेगा। अब आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको नीचे की ओर आना है, स्लाइड करते हुए यहाँ पे जो और देखने को मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पे ये सब सेटिंग तो आप पहले ही देखे हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं करे हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को म्यूट नोटिफिकेशन, अगर आप इस चीज़ को ऑन कर देते हैं तो इससे क्या होगा कि नोटिफिकेशन म्यूट हो जाएगा। जैसे कि आपको मालूम होगा कि व्हाट्सएप अगर आप जो है इस्तेमाल करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा अगर ग्रुप रहता है, ग्रुप में बहुत ज़्यादा लोग मैसेज वसेज सेंड कर देते हैं, उसमें क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे आप ऑन करते हैं पूरा मैसेज धाएँ धाएँ से वीडियो पे यहाँ पे आपको फ़ोन पे आना शुरू हो जाता है। सो इस हाल में अगर आप इस चीज़ को म्यूट करना चाहते हैं 8 hours के लिए, 1 week के लिए, फिर हमेशा के लिए, सो यहाँ पे आप म्यूट भी कर सकते हैं। जैसे कि 8 पे क्लिक किया हुआ है, मैं ओके पे क्लिक करूँगा, 8 घंटा के लिए मेरा नोटिफिकेशन इस व्हाट्सएप चैट पे नंबर पे म्यूट हो जाएगा, मैसेज जो आएगा जल्दी यहाँ पे मुझे नहीं मिलेगा। ओके, यानी म्यूट हो जाएगा। दूसरा आपको देखने को मिल जाएगा नीचे की ओर कस्टम नोटिफिकेशन, इस पे आना है, क्लिक कर लेना है, इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। बस इस पे आपको पहले आपको टिक कर लेना है। यहाँ पे क्या होगा कि आप जो है इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज़ क्या है, जैसे कि आपके पास अगर व्हाट्सएप है, काफ़ी से ग्रुप है, अलग अलग नंबर से आप चैटिंग कर रही हैं, सो कौन मैसेज कर रहा है आपको मालूम नहीं चलता, सिर्फ आपको सिंगल एक ही ट्यून अगर आप यूज़ कर रहे हैं एक ही ट्यून आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यानी अलग अलग नंबर पे अगर 10 नंबर पे मैसेज आ रहा है तो 10 नंबर के लिए अलग अलग रिंगटोन आप सेट करके रख सकते हैं, जिससे आपको बिना व्हाट्सएप ओपन करे, बिना फ़ोन को टच करे आपको मालूम चल जाएगा कि इस नंबर से अभी मुझे जो है मैसेज आ चुका है। सो नोटिफिकेशन ट्यून पे आना है, क्लिक करना है, यहाँ पे अलाउ पे क्लिक करना है, यहाँ पे और देखने को मिल जाए, देख सकते हैं जो भी नोटिफिकेशन पे यहाँ पे ट्यून आप इस्तेमाल करना चाहते हैं बस उस पर आपको क्लिक करके बस आपको बैक आ जाना है, वो सेट हो जाए। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन के लिए था, वहीं पर अगर आप स्लाइड करोगे नीचे की ओर आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं कॉल के लिए, अगर आपको इस नंबर से कोई कॉल कर रहा है, जैसे कि 10 नंबर है व्हाट्सएप पे, 100 पे अगर कोई कॉल कर रहा है, सो अगर आपके पास ये कस्टमाइज नहीं किए हैं, सभी नंबर एक ही जैसा है सेव किया हो आपके फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे जैसे ही कॉल कर रहा है एक ही रिंगटोन बजेगा, जिससे आपको मालूम नहीं चलेगा कि कौन कॉल किया है अगर आपका फ़ोन रखा हुआ रहा तो। बस इससे अगर आप कस्टमाइज़ करना चाहते हैं रिंगटोन पे क्लिक करके, यहाँ पे अलग अलग रिंगटोन भी आप नाम के यहाँ पे जो है सेट कर सकते हैं नंबर के हिसाब से, जिस तरह से मैसेज के लिए यहाँ पे सेट कर सकते हैं नोटिफिकेशन को लिए, उसी तरह से आप कॉल के लिए भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको मीडिया विजिबिलिटी का ऑप्शन देखने को मिला है, देख सकते हैं अगर इस नंबर से, यानी आप जो है देखे होंगे कि व्हाट्सएप के ग्रुप जो रहता है काफ़ी ज़्यादा लोग जो है जो सो मैसेज आपको यहाँ पे सेंड कर दिया जाता है, जो सो वीडियो फोटो हो गया, ये सब चीज़ क्या होता है कि आपके फ़ोन के गैलरी है उसमें सेव हो जाता है। अगर आप उस चीज़ को नहीं सेव करना चाहते हैं गैलरी में, सो यहाँ पे इस ऑप्शन को आना है, इस तरह से नो पे क्लिक करके ओके वाला बटन पे आप क्लिक कर लेना है। इससे क्या होगा कि इस नंबर से अब जो है मुझे कोई भी मैसेज करे, व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजे, सो वो सब फ़ोटो मेरा क्या होगा गैलरी पे डाउनलोड नहीं होगा, ना ही मेरा फ़ोन का यहाँ पे स्टोरेज भरेगा। जैसे ही मैं व्हाट्सएप ओपन करूँगा यहाँ से मैं उस चीज़ को देख सकता हूँ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा है, बहुत ज़्यादा लोग जो है फोटो वीडियो भेज देता है, वो मेरा फ़ोन के गैलरी पे सेव हो जाता है और फ़ोन का स्पेस भर जाता है, सो अगर आप फ़ोन के स्पेस को खाली रखना चाहते हैं तो इस हाल में भी आपको ये सेट करके रखना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखने को मिला डिसअपीयरिंग मैसेज, बस इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्या होगा, अगर आप कोई पर्सनल मैसेज कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं जैसे ही मैसेज कर देता हूँ वो देख लेता है,
उसके कुछ मिनट बाद कुछ घंटे बाद ऑटोमेटिकली मैसेज डिलीट हो जाए। सो इस हाल में आपको ये ऑप्शन यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 24 hours देखने को मिला, 7 days, 90 days या फिर ऑफ, यानी हमेशा ये जो है डिलीट नहीं होगा, हमेशा मैसेज सेव रहेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 24 घंटे के बाद यहाँ पे कोई भी मैं मैसेज कर रहा हूँ, 24 घंटे के बाद वो मैसेज ऑटोमेटिकली उस चैट से रिमूव हो जाए, डिलीट हो जाए, उस हाल में आपको यहाँ पे ये सेट करना है। इससे क्या होगा कि इसके साथ जो भी मैसेज आप सेंड किए, चैट कर लिए, वो मैसेज ऑटोमेटिकली 24 hours के अंदर अंदर वो डिलीट हो जाएगा। आपको डिलीट करने का कोई भी जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा, आपका यहाँ पे व्हाट्सएप पे सिक्योरिटी बना हुआ रहेगा। अगर आप पर्सनल चैट कर रहे हैं तो कोई और नहीं देख सकता है, अगर आप इस चीज़ को सेट करके रखते हैं तो। नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है चैट लॉक, इस पर क्लिक करना है। अगर आप इस चैट को लॉक करना चाहते हैं, यानी आप किसी भी नंबर से पर्सनली चैट कर रहे हैं और आप नहीं चाहते हैं कि आपका फ़ोन लेके कोई भी इस चैट पे इंटर हो जाए, इस पर आपको अगर नहीं देखना है, इस पर लॉक लगाना है, सो इस हाल में इस पर आना है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपका जो भी लॉक है वो डिटेक्ट कर लेगा। यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके आपको यहाँ पे क्या करना है, पासवर्ड टाइप कर देना है। इससे क्या होगा गाइज कि कोई भी आपके यहाँ पे पर्सनल चैट पे इंटर नहीं हो सकता है, आपका फ़ोन भी ले सकता है। अगर आप कोई मांग रहा है, कोई आप अगर उसे दे देते हैं, फ़ोन तो आपका ले सकता है, व्हाट्सएप भी ओपन कर सकता है, लेकिन इस चैट पे वो इंटर नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें आप लॉक लगा दिए हैं। जैसे ही वो लॉक आप इंटर करोगे तभी उस चैट पे इंटर हो पाओगे। सो गाइस यहाँ पे ये जो सेटिंग बताई ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ओके, जो आप हर एक नंबर पे हर एक ग्रुप के साथ एडिट करके सेंड इस तरह से आप सेटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट लास्ट में मैं आपको एक चीज़ और भी बता देता हूँ। जैसे कि कोई भी आपका व्हाट्सएप नंबर मांगता है आपसे यहाँ पे मैसेज करने के लिए, या फिर आप जो है खुद उसे नंबर देने का ज़रूरत रहता है, सो इस हाल में अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपना व्हाट्सएप का आईडी तो देना चाहता हूँ लेकिन नंबर जो है वो मैं किसी से शेयर नहीं करना चाहता हूँ, सो गाइस इस हाल में आपको क्या करना है, बस व्हाट्सएप पे आना है, इसी तरह से अपना आईडी पे आ जाना है, इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको QR ऑप्शन देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। अगर कोई आपको सेंड किया है तो यहाँ पे स्कैन पे क्लिक करके इस तरह से उसे आप स्कैन कर सकते हैं, लेकिन माई कोड पर अगर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे QR कोड ओपन हो जाता है। आप इसे क्या करते हैं, शेयर पे क्लिक करके इस तरह से आप जो है किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं बिना नंबर सेंड करे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी से मुझे जो है उसका वीडियो या फिर फोटो लेना है बट उसे मैं अपना आईडी तो देना चाहता हूं लेकिन नंबर उसके साथ शेयर नहीं करना चाहता हूं, सो इस हाल में गाइस ये QR कोड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप बिना नंबर दे के उसके साथ सेंड कर सकते हैं अपना व्हाट्सएप आईडी, ओके, जो भी डॉक्यूमेंट्स लेना है, जो भी फोटो वीडियो लेना है आप आसानी से ले सकते हैं। उसके बाद चला जाएगा, उस पर क्लिक करेगा, डायरेक्ट आपका व्हाट्सएप आईडी आ जाएगा। लगे हाथ इसी से रिलेटेड एक और भी आपको यहाँ पे सेटिंग बता देता हूँ जब यहाँ पे आ चुका हूँ तो। जैसे कि यहाँ पे एक एरो आपको देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। अगर आपके पास दो नंबर है, दो नंबर अगर आपके एक ही फ़ोन पे, अगर आप एक ही फ़ोन पे अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं, व्हाट्सअप अकाउंट एक ही है आपका, ओके, यानी अगर आप ये चाह रहे हैं कि मेरा पास जो है दो नंबर है, व्हाट्सअप भी एक ही इंस्टॉल किया हुआ है, एक ही डिवाइस है, लेकिन मैं अलग अलग नंबर के दोनों नंबर का अलग अलग आईडी क्रिएट करना चाहता हूँ, इस हाल में आपको ये एरो देखने को मिलेगा, बस इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करोगे इस तरह से देखने को मिल जाएगा, फर्स्ट में मेरा नंबर सेव किया हुआ है जिससे मेरा आईडी है, दूसरा में एड अकाउंट आ रहा है, इसमें मैं दूसरा नंबर देखे इसी व्हाट्सएप पे, इसी फोन पे एक और नंबर से, न्यू नंबर से मैं यहाँ पे व्हाट्सएप पे अकाउंट बना सकता हूँ, उस पर मैं क्लिक करके उससे इंटर होके उसके साथ सेंड कर शेयर कर सकता हूँ, यानी चैटिंग वोटिंग कुछ भी करना रहेगा तो, ओके। सो गाइस इस तरह से आप जो है अपने एक ही व्हाट्सएप से, एक ही फ़ोन से, दो अलग अलग नंबर से आप जो है अलग अलग अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं सो इस तरह से कर सकते हैं। सो गाइस आई होप कि वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, अपने दूसरे के साथ शेयर जरूर करना, और भी काफ़ी सारी सेटिंग है देख सकते हैं जो आने वाला टाइम में आपको वीडियो दे दूंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर करके रखना है।